दोनों अंदर क्यों नहीं आ रहे घर के? मेरा घर तो कोई और है ना माँ, वहां गए बिना अब फेरा करने यहाँ नहीं आ सकती ना मैं। वहां कैसे जाएगी, कैसे सामना करेगी सबका? कभी ना कभी तो सामना करना ही होगा ना माँ, तो फिर आज क्यों नहीं? वो बात तो ठीक है जमाई साहब, पर फिर भी माँ अपने बेटे पे भरोसा है आपको? मैं सब संभाल लूंगा। नायरा तुम सबसे अच्छे से मिलो और रेस्ट करो, मम्मा पापा को कुछ जरूरी काम है, वो कर आते हैं। ओके बट कम फास्ट। एंड नाउ अब भाई को कब बताने वाले हो कि हम इधर हैं? सब ठीक होगा बेटा। हाँ बेटा हिम्मत रखना। ठीक तो होगा ना नैतिक? 10 साल बाद हम लोग घर वापस जा रहे हैं। संजू व्हाट्स अप? हाय यार। वेलकम इनसाइड। इंडिया इज ऑसम। आई डाउट कहीं मैं यही सेटल ना हो जाऊं। प्लीज नहीं, तरस खा इंडिया वालों पे, वो तुझे झेल नहीं पाएंगे। या वेरी फनी। तू बता कैसा लगा घर जाके? Awesome! मॉम डैड को बताया? नहीं यार, एक्चुअली हिम्मत ही नहीं हो रही, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। एक तरफ तो गिल्टी फील कर रहा हूँ और दूसरी तरफ डर भी लग रहा है। अकॉर्डिंग टू मी तेरे मन में अभी सिर्फ एक ही फीलिंग होनी चाहिए, खुशी, क्योंकि तू इतने सालों बाद उस जगह पे आया है जहाँ पे तूने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है। हाँ पर इतने सालों में इतना कुछ बदल भी तो गया है, अब ना ही सब साथ में खाना खाते हैं और ना ही पूजा करते हैं, सब अपने कमरे में ही रहते हैं। अब पता नहीं ये सब कुछ देख के मुझे खुश होना चाहिए या उदास। सैड तो इसलिए होगा ना क्योंकि तुझे तेरी बचपन वाली गर्लफ्रेंड जो नहीं मिली, क्या नाम था उसका? शट अप संजू। नहीं नहीं बता क्या नाम था। प्रिया। प्रिया नहीं रिया। या ये डीप थी ना? बिल्कुल भी वियर्ड नहीं थी और तेरी तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी। और तुझे पता है हम दोनों ना एक दूसरे से वेबकैम पे चैटिंग भी करते थे और एक दूसरे को गिफ्ट भी एक्सचेंज करते थे और फिर बहुत मजा आता। ओके 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 हो गया जिया पुरान। एनीवेज मुझे शॉपिंग पे जाना है, कुछ चल रहा है मेरे साथ? नहीं आज नहीं, एक्चुअली मुझे आज नन्ना दीदी को पिक भी करना है और तुझे उनसे मिलवाना भी था ना और यश से भी मिलवाना था, भूल गई? राइट राइट राइट। एक काम करते हैं, तो तूने पिक करके मुझे कॉल कर, देन विल डिसाइड कि क्या करना है। ओके कूल, विल हैव कैपुचिनो।
क्या कहलाता है, अपने दोस्तों के साथ गया है बेटा। मुझे जाना है। अरे 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 क्या हुआ राजपन्ना, क्यों नाराज है मेरी मिष्टी तुझसे? मुझसे नहीं भाभी माँ, ये अपने भाइयों से नाराज है। इसका भाइयों चला गया अपने दोस्तों से मिलने और इसे नहीं ले गया, वो भी नाराज। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है, अच्छा है ना तुम नहीं गई, कोई तुम्हारी उम्र का नहीं है, तुम बिल्कुल बोर हो जाती मिष्टी। अरे ऐसा नहीं करते, करती क्यों नहीं? एक बात मानेगी ना हमारी? हाँ दादा जी, एक क्यों, सौ बात मानूंगी, सौ बात मानूंगी। बोलिए। एक बात अगर हमारे से हमारे जाने के बाद भी इस परिवार को कभी बिखर ना दी। अब तारी भाभी माँ उसे कभी उदास मत होने देना। इससे बड़ी सजा की बात किसी बच्चे के लिए और क्या हो सकती है कि उसके बड़े उसकी आंखों के सामने हो, बस दो कदम की दूरी पर, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर सकते, उनके पास नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते उनसे। भाभी माँ का चेहरा देखे ना नैतिक, कैसे सुना सुना हो गया। और बाबूजी भी, ऐसे लग रहा है जैसे 10 बरस में उनकी उम्र 20 साल और बढ़ गई हो। सब लोग बस बोल तो रहे हैं, पर उनकी हंसी में मुझे वो पहले वाली खनक सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बस हंसना है एक ड्यूटी बन गई। शायद ये सच हो, शायद ये सब लोग हंसना ही भूल गए हो। अक्षर भाभी माँ, बाबू जी, छोटी माँ, ये सब लोग पहले जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे, जैसे हम लोग इन्हें पहचानते हैं। बस एक मिष्टी जो वैसी है जैसा सोचा था, इससे भी क्या करें, बचपन से यही कहते आए हैं कि एक दिन स्क्रीन से निकलकर बाहर आएंगे इससे मिलने, और अब जब सामने है तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। मैं इतने पास होकर भी हम इतने दूर है, गले नहीं लगा सकते, बात नहीं कर सकते, आशीर्वाद नहीं ले सकते। Oh my God, it's so much fun! I can't believe it कि मैं अपने नानी के घर आई हूँ। You know, भाई मुझे दोनों घरों के बहुत सारे सिफारिश बता देते कि हाँ लोग मिलके हर फेस्टिवल कैसे एंजॉय करते थे, कितनी सारी सरप्राइज पार्टीज होती थी, कभी बर्थडे कभी पूजा, और अगर कुछ नहीं होता था ना तो क्रिकेट या तो फुटबॉल का मैच, है ना? पता है उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और हमेशा मुझे टीज करते थे क्योंकि मैंने वो सारा फन मिस कर दिया ना। बट मैंने भी उन्हें बोला था कि जब मैं इंडिया आऊंगी ना मैं वो सारा फन करके जाऊंगी, लेकिन जाएंगे ना प्लीज? हाँ हाँ कराएंगे, सब कराएंगे तुझे। पर कब? हम कोई सेलिब्रेशन आज ही नहीं कर सकते? आज? तू कहीं भागी थोड़ी जा रही है रानी बिटिया, अभी अभी तो तू आई है, एक दो दिन आराम कर ले, उसके बाद खूब मजे करवाएंगे, है ना? पता वहाँ भी ना मैं और भाई खूब मस्ती करते हैं। एक बार तो हमने लॉन में मार्शमेलोज भी बनाए थे और खाए भी थे, और उस वक्त ना मम्मा पापा दोनों ही गए। आप कितना ज्यादा बोलते हो, चुप नहीं रह सकते? आई नो नन्नू, मैं ना थोड़ा ज्यादा बोलती, मैंने पहले वही सोचा था। कल तो सब लोग पुराने हो जाएंगे और फिर और बातें भी इकट्ठा हो जाएंगी, तो आज की बात आज भी कर लेनी चाहिए, है ना नाना जी? ए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना जी चाहे उतना बोलो, हाँ हम सब सुनेंगे। तो सुननी पड़ेगी। हाँ बेटा, और हम सब तो यही चाहते हैं कि तू हमेशा कोयल की तरह हु हु करती रहे और कानों में मिश्री घोलती रहे। That's not
अरे बड़ी नानी, मॉम को तो आप सोच ही रही है बुलाते हो और मुझे सिर्फ कोयल। शुक्र है आपको कान का जूरा नहीं बोला। मेरी मम्मी तो जो वो भी कहती है। हाय खोते, मैंने कब कहा तुझे? क्यों जसमीत, तुमने मेरे नानू को ऐसा कहा? दाओ दादी। दाओ? दाओ मीन? दाओ मतलब डांट दो। ये तो आधी अधूरी बात खा जाता है भूखड़ कहीं का। ओह गॉड, दिस इज सो मच फन हियर। नानू इज सो क्यूट। मुझे तो जल्दी से दादी के घर जाना है और मिश्री से मिलना है, क्योंकि सिर्फ यही तो मेरे छोटे भाई बहन है, बाकी सब मुझसे बड़े हैं और सब लोग मुझे चुराते हैं। सिर्फ यही तो है जिनको मैं चुरा सकती हूँ। अच्छा मम्मा पापा कब आने वाले हैं? मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, हमें दादी के घर जाना है ना, और हाँ भाई को सरप्राइज भी देना है ना। अरे माय लिटिल सिस्टर, जस्ट चिल और तुम्हारे मुंह को भी थोड़ा सा ब्रेक दे दो। अब जाओ और मेरे प्रिंसेस सूट के मैग्नानिमस लग्जरी का फायदा उठाओ। क्यों पापा, लग रही हूँ ना होटेलर की बेटी। नन्नू जाओ और नायरा दीदी को मेरी रूम दिखाओ। ओके नायरा, तुम जल्द से जल्द नहा धो के रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी। बहुत धूप है भाभी माँ, चलिए अंदर चलते। हाँ चलो उतरो। भाभी माँ क्या हुआ? राजबन्ना, मुझे ऐसे लगा जैसे वहां कोई है, मतलब मैंने किसी की छाया देखी हिलते हुए। भाभी माँ, वहां किसी की छाया होती तो इंसान भी होता। आपको वहम हुआ होगा। कोई नहीं है वहां भाभी माँ, इतनी धूप है कौन आएगा, और अगर कोई होता तो आवाज भी तो लगा था। नहीं 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 देविया, नहीं वहां कोई था, मैंने देखा, मैं देख के आती हूँ। भाभी माँ कोई नहीं है यहाँ, चलिए आप, चलिए चलिए। दरवाजे तक आके उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं है, कब डर पाएंगे हम ये हिम्मत नहीं, कब? पता नहीं, परसों पहले जो हुआ है उसका असर 10 साल बाद भी रहेगा, ये उम्मीद नहीं थी। तुमने तो उसे यही बातों बातों में घुमा दिया है नन्या। थैंक यू चाचू। गोदी में थी नायरा जब यहाँ से गई थी, ठीक से हूँ हाँ भी नहीं बोल पाती थी, और आज देखो। जमाई सा और अक्षरा वहां गए तो हैं, पर करेंगे क्या कुछ नहीं पता। जमाई सा तो फिर भी दिल के थोड़े मजबूत हैं, संभाल लेंगे खुद को। अक्षरा अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, बहुत रो रही होगी। अरे आप जानते नहीं उन्हें, वो बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है जब मैं यहाँ आ रहा था ना, मुझे लगा कि मम्मा बहुत सेंटी होगी और मुझे आने नहीं देगी, पर उन्होंने एक ही बार में हाँ बोल दी, और बोलते भी कैसे नहीं। मैं आप लोगों से मिलने जा रहा था, इसलिए उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। आप लोग भी उनकी बिल्कुल चिंता मत करो, वो वहाँ बहुत आराम से होंगे और पापा तो बहुत ही खुश होंगे, घर पे शांति होगी, उनकी लाइफ में भी शांति होगी। और नायरा वो तो दोनों कमरों में बैठ के ऐश कर रही होगी, मेरा सब सामान छेड़ रही होगी और मेरी सब चीजें भी टच कर रही होगी वो तो। हट गया बेटा, चीकू बेटा तुम यहाँ अचानक कैसे?
हमें किसी ने बताया नहीं कि तुम आ रहे हैं। वो छोटे नानू आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अपना हैंड्स फ्री ना यहीं भूल गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आके ले लूं और फिर सोचा कि अनन्या दीदी को घुमाने भी ले चलूं। अक्षा बुआ प्लीज फोन उठाइए। अनन्या दी चलेंगे ना मेरे साथ? हाँ चल। हाँ फिर अपना काम कर लो फिर चलते। ओके चोरी करते हो, चोरी करते हो। शर्म नहीं आती तुम? चोरी करते हो, अच्छे खासे जवान हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो? पर्स छीन कर भाग रहे थे तुम, वो भी एक बूढ़ी औरत से। हे यू, भाषण की दुकान, तुम्हें और कोई नहीं मिला भाषण देने के लिए? दांतों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। I'll deal with him. अरे अरे ये क्या कर रही हैं? Stop, I said, रुक जाइए। पैसे बचा लीजिए, अब फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। पैसे प्लीज मैम, बैग दे दिया आपको, गलती होगी, सॉरी। सॉरी के बच्चे, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। हेलो, तुम्हारा क्या मतलब है बीच में आने का? Tell me. ओए रुक। ए, भाग तो गए। How useless are you? तुम्हारी वजह से भाग गया वो, पकड़ नहीं सकते थे एक चोर को। आपकी मार खाने के लिए? नहीं, तुम्हारा भाषण सुनने के लिए। इतना बोर हो जाता कि खुद ही मर जाता, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ओके? अच्छा, तो अभी और कुछ करना बाकी था? एक्सक्यूज मी, तुम क्या उसके रिलेटिव हो जो इतना पेन हो रहा है तुम्हें? और ये भाषण देना तुम्हारी हॉबी है या प्रोफेशन है? ऐसे लोगों को पीटना ये आपकी हॉबी है या फिर प्रोफेशन? ऐसे टूट रही थी उस पे जैसे आप कोई पुलिस वाली हो। आपके चक्कर में भाग गया, वरना मैं उसे पुलिस के हवाले कर देता। ओह रियली? आई सी। स्वामी भाषण जी महाराज, क्या कहा आपने? मेरा पर्स। बहुत बहुत धन्यवाद हो तुम्हारा बच्चा, भगवान पर ही जोड़ी बनाए रखे, सदा सुखी रहो। गॉड, लड़की है या भला? लड़का है, ज्ञान चैनल चोर को भाषण दे रहा था। बीट दैट। हाय रब्बा, अभी नायरा कभी भी नीचे आ सकती है, हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं जसमीत, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी उसके नीचे आने से पहले ना हमें कैसे भी करके पास को यहाँ से भगाना होगा। प्लीज भाभी। मिल गया मुझे फाइनली। दी? हाँ? चले? कहाँ? वो आपको कहा था ना कि एक प्रिंसिपल माना है। कौन फिर? मेरी राजकुमारी, ये कौन कौन क्या कर रही है? जब वो कह रहा है तो तू जाना उसके साथ। नानी, आप आज इतनी टेंशन में क्यों? सब ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो बेटा बस घर के काम की थोड़ी सी चिंता है। अच्छा काम, मैं हेल्प कर दूँ आपकी थोड़ी सी? हाँ तू करेगा मेरी हेल्प। हाँ, सब है ना घर का काम निपटाने के लिए इतने सारे लोग। तू जा आराम से अपने स्कूल के दोस्तों से मिल के आ। हाँ अनन्या तेरे साथ चली जाएगी, और तू ऐसा कर कि यश को भी अपने साथ ले जाना। तू जा। आप मुझे भगाना चाहते हैं? तो मेरे बच्चे, मैं तुझे क्यों भगाऊंगी? वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि चोके। नानी मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आया था, वो भी अनन्या दीदी को लेने के लिए। ओके चलो। चीकू सुन सुन, नाराज तो नहीं हो गया ना अपनी नानी से? देख बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। नानी दैट वाज अ जोक, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा भी मैं अनन्या दीदी के साथ जा रहा हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके बेटा चल, हम बाहर तक छोड़ देते हैं। जी आइए। कहा था ना नैतिक, हमारा ठिकाना बदल गया है, पर पता यही है कि नानिया सदर हमारा घर। नैतिक हमारा घर, क्या हमारे अपने रहते हैं, हमारा पूरा परिवार रहता है। Oh, my God.
चौकट से बाहर आए थे। वापस अंदर कब जाएंगे? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।